गुजरात टाइटंस को ये मैच जीतने के लिए। अच्छी गेंद और दौरे है रनआउट होने का मौका और इसी एक रन के साथ गुजरात टाइटंस ये मैच जीत ली है। 6 विकेट से मैच जीत लिया गुजरात टाइटंस ने। आरसीबी एक बड़ी हार। कप्तान आज निराश होंगे आरसीबी टीम के। क्यों निराश होंगे, क्योंकि 10 में से 7 जीत के बैठे आरसीबी टीम। आज गुजरात टाइटंस वो 10 में से 5 हार और 5 जीत पॉइंट्स टेबल में 4th स्थानों पे आ चुकी है। अब सीधा चलते हैं कॉन्फ्रेंस की तरफ। मैच के मैन ऑफ द मैच, इस मैच को पहली बार मैन ऑफ द मैच इनवाइट कर रहे हैं जैन घोष को, क्योंकि मैन ऑफ द मैच रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैन ऑफ द मैच संतोष सिंह, मानो धागा खोल दिया गेंदबाजी से। केवल 4। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड एंड कॉर्नर एंड 2 कैप्टन इन द सुपर संडे। इस डबल हेडर इन द फर्स्ट संडे गेम इन आरसीबी एंड जीटी इन आरसीबी एंड कैप्टन द पेन सागर एंड जीटी एंड कैप्टन द इन उच्चे द सुकांतो मैच एंड होम कैप्टन द आरसीबी द स्पिन एंड कॉइन टेल इज कॉल्ड द जीटी दिस टेल जी आई नो GT win the toss and decide. Bat. Fielding first. Fielding first. In you reason the fielding first. How are you? In you change the playing 11. No. Same. All the best. Hey, the fans, Sagar. आप जिस तरीके से खेले हो, आप टॉस जीतते की करते, क्या करते? Bat first. आपको batting मिली है. कितना रन में आ चुके? 50-60 तो target है. जो आजकल जो मौसम है, हवा है, बहुत हवा है. आज जीते हो तो क्वालिफाई कितनी है कि हरा पा कि आज कुछ प्लान है कि आज जीतेंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे? प्लान तो बहुत सारा है, थोड़ी बात वो ग्राउंड में बताओगे। ऑल द बेस्ट मैच के लिए। और जीटी ने टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला किया है, सॉरी फील्डिंग का फैसला। सीधा चलते हैं खेल की तरफ। दोनों युवा लड़के आज अंपायर वन फेल अंपायर आरसीबी और जीटी का बहुत बड़ा मुकाबला, क्योंकि आरसीबी के लिए महत्वपूर्ण मुकाबला है, क्योंकि वो जीते तो क्वालिफाई कर जाएंगे और जीटी हारती है तो आगे की जो मैच है वो सभी मैच जीतना पड़ेगा तो भी क्वालिफाई होगी। आज राहत की सांस किसको मिलेगी, कौन करेगा क्वालिफाई और कौन थोड़ी भरोसे पे निराशा लेके आएंगे, तो वक्त बदलेगा। बेंगलोर के दोनों ओपनर पेन सागर, तुझे किसने कहा तू इस ग्राउंड पे अनजान बन के आया कर, तू इस ग्राउंड पे मेहमान बन के आया कर, तू ही तो बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, शंखनाथ है तू प्लेयर, तू इस ग्राउंड के किंग के नाम पे जानते हैं। और किंग की एक पारी भुननी पड़ेगी आज को सामने गुजरात टाइटंस। डालने है जीटी से सामने फेन सागर, पहला ओवर जीटी से डालने आए संतोष और पहली गेंद का सामना करेंगे फेन सागर। और अच्छी गेंद, अच्छी लेंथ, हार्ड लेंथ से ठीक टप्पे पे डाली है गेंद और ऊपर गई है। फील्डर क्या नीचे है, क्या पकड़ेंगे कैच? नो मैंस में गिरी है। वो दिन में खेल है ना तो आसान नहीं है, क्योंकि धूप बहुत है और जब आप कैच के ले जाओगे तो ऊपर जब आप देखोगे तो सूर्य आपके आंखों में होगी, किंतु सूर्या से भी डरो, सूर्या को बुझने मत दो। और विकेट दूसरी गेंदों पे पेन सागर के रूप में गुजरात टाइटंस, और ये झटका बहुत बड़ा मिला है क्योंकि पेन सागर पहली बार पहले ओवर में ड्रेसिंग रूम जाते हुए और निराशा लेके जाएंगे। आज नहीं चली है पेन सागर और जीटी की पूरी टीम जानती है कितनी बड़ी विकेट थी, बहुत बड़ी विकेट मिली है संतोष को, मानो इस विकेट से दिल जीत ली हजारों फैन की। सटीक लेंथ और लाइन से डालती है गेंदबाज संतोष और 3rd स्थान पे सूर्या। आज तो कमाल करना पड़ेगा, जब जब तो नहीं खेला है इन सागर, ये टीम बिखर चुकी है किंतु आज क्या बिखर के भी निखरेगा। अच्छी गेंदबाजी संतोष के द्वारा, केवल 2 रन दिए और 1 विकेट ले चुके हैं। और वाइट बॉल, और वाइट बॉल
बल्ला जरूर चलाया था, मेरा मानना है। और पहली ओवर की समाप्ति 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरा ओवर डालने है रॉबिन, पहला ओवर झटका दिया था और व्हाइट बॉल से शुरुआत रॉबिन का। पहला ओवर बहुत ही बड़ा विकेट मिला है फिन सागर के रूप में गुजरात टाइटंस को। बल्ला जरूर चलाया था किंतु सीधा कीपर के पास। ये टीम आरसीबी की टीम पूरे निर्भर करती है फिन सागर के ऊपर। और एक बार फिर व्हाइट बॉल, ये भरोसे पे उतरना पड़ेगा आज, जरूर फिन सागर जा चुके हैं। और दूसरा झटका, बहुत ही खराब प्रदर्शन, जरूर फिन सागर जा चुके हैं किंतु आप इस तरीके से बिखरना नहीं चाहते हो। एक ही प्लेयर के ऊपर आप भरोसा जता नहीं सकते, कितनी बार आप जताओगे एक ही प्लेयर के ऊपर भरोसा? आपको खेलना पड़ेगा, आप टीम एकजुट के होके खेलोगे तभी सामने वाले आप टीम को हरा पाओगे। हमने बोला है कि आगे के दौर में जो मैच है फिन सागर, जब जब विकेट गिरेगी बैंगलोर के लिए आसान नहीं होगा। और 34वें स्थान पे भोलू आए है, बहुत ही लाजवाब गुजरात टाइटंस से। सरदार जरदार सरदार और सरदार गुजरात टाइटंस के बॉलर 4वें स्थान पे भोलू आए है। ओ अच्छी बाउंस, अच्छी लेंथ, सटीक हार्ड, और तीसरा वाइट इस ओवर में। आगे वर के शॉट मारा था जरूर, सीधा नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को सर पे लगी है चोट, देखने वाली बात है। और इंजर्ड फिजी हुआ है, थोड़ी पानी देने, कुछ बोलने बोलता वाल द बेस्ट, ठीक हूं मैं। और 2 ओवर की समाप्ति बेंगलोर से इसका 6 रन पे 2 विकेट। और तीसरा ओवर डालने आया है, अच्छी शॉट, इधर फील्डर मौजूद है, 2 रन की है कॉल और मिल जाएंगे 2 रन। बल्लेबाज को चोट लगी है, अब क्या चोट पहुंचा पाएगी गुजरात टाइटंस को, क्योंकि बड़ा हिट लगाना पड़ेगा। एक बार फिर मारी है डीप मिड विकेट की तरफ और रन आउट, बहुत ही खराब कॉल, देखना पड़ेगा। और तीसरा झटका, और पहली बार क्या वो ऑलआउट होगी आरसीबी टीम। 5वें स्थानों पे सागर सिंह आए, बड़े हिट लगाना है तो साथ भी निभाना पड़ेगा आपको। सागर सिंह को भोलू का साथ निभाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो 30 रन भी बनाओ तो चैलेंज दे सकते हो। दो अच्छी गेंद, बल्लेबाज आगे खिला रहे हैं, गेंदबाज आगे खिला रहे हैं, बल्लेबाज पीछे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ के शॉट मारने की कोशिश थी जरूर, किंतु चूके बल्लेबाज। क्या गेंद दिखाई नहीं दे रही बल्लेबाज को, तो इतनी अच्छी गेंद आज पिच में उतनी ही मदद हो रही है। अच्छी शॉट, उधर फील्डर मौजूद नहीं है और मिलेगा 4। और 3 ओवर की समाप्ति 13 पे 3 डाउन आरसीबी, आखिरी ओवर। बहुत ही खराब प्रदर्शन, आप एक प्लेयर के ऊपर भरोसा नहीं जता सकते। कितनी बार ये बोलू कि जब जब पिन सागर गिरी है तब तब आरसीबी टीम को बहुत परेशानी हुई है। एक प्लेयर के ऊपर आप कितनी दिन भरोसा जताओगे? आगे की शाम आपके ऊपर सेमीफाइनल की है लड़ाई, फाइनल भी आपको ही खेलना होगा। और विकेट, 4वां झटका, मानो आज गेंद से धागा खोल दिया है जीटी की टीम। और आखिरी विकेट के रूप में आएंगे रोहित, आखिरी की 4 गेंद बाकी है, केवल 13 रन लगे हैं बोर्ड पे। इतने भरे दिग्गज बल्लेबाज क्या कर रहे हैं? वाइड बॉल, आगे बढ़ के शॉट मारा है, फील्डिंग दौड़ के आ रहे हैं और सीधा फील्डिंग के हाथ में,
14 रन पे ऑल आउट कर दिया आरसीबी टीम को। बहुत खराब प्रदर्शन, जीटी टीम के बॉलर ने मानो धागा खोल दिया है, आरसीबी टीम को केवल 14 रन पे रोक दिया है। और जीत के लिए चाहिए 15 रन जीटी टीम को। अब सीधा चलते हैं नेक्स्ट इनिंग्स में। आरसीबी टीम बहुत ही खराब प्रदर्शन, बल्लेबाज से पहली बार ऑल आउट हुई है आरसीबी टीम इस जूनियर आईपीएल में, केवल 14 रन पे रोक दी है। कसी हुई गेंदबाजी जीटी के बॉलर से, आज सभी चार ही बॉलर एक एक विकेट लिए है और बहुत 14 रन पे रोक दिया है। जीटी टीम को चाहिए जीत के लिए 15 रन। और सीधा चलते हैं बैट्समैन की तरफ। जीटी के दोनों बल्लेबाज, गुजरात टाइटंस के दोनों बल्लेबाज ओपनर करने आए रॉबिन और संतोष, केवल 15 रन चाहिए आरसीबी टीम की। बहुत ही खराब प्रदर्शन और गेंदबाजी से आज संतोष दो ओवर डाले है, दो विकेट लिए है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। और जीत के लिए चाहिए केवल 15। एक छोटा लक्ष्य सामने आरसीबी के तुखार बॉलर सामने भोलू कर सामना करेंगे, भोलू का जो गति से जाने जाते हैं। और पहला ओवर डाले हैं आरसीबी से, और अच्छी गेंद थी वाइड बॉल और चुरा लिया एक रन। फुल टॉस मानो थोड़ी इंच के लिए बच गई है बल्लेबाज और रॉबिन स्ट्राइक। अच्छी गेंद, बोला था ना इसके पास जो गति है बल्लेबाज को परेशानी करेगी, यही लक्ष्य 30 और 35 होती तो आसान नहीं होता, फुल टॉस थी। फुल टॉस क्या मारती बॉल तो भालो जी, फुल टॉस थी। केवल दो रन दिए है दो गेंदों पे। सामने जो फॉर्म में है गुजरात टाइटंस के बॉलर रॉबिन, बहुत ही अच्छी फॉर्म में है दोनों बल्लेबाज। तीन रन दिया है लेग बॉय से, एक रन मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पहली गेंद वाइड देने के बाद, अभी तक बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं है। और अच्छी गेंद, अच्छी शॉट, फील्डिंग मौजूद है, एक रन। ओवर की आखिरी गेंद, सॉरी ओवर, और ओवर की समाप्ति 4 रन जीटी। पिन सागर 11 रन की जरूरत है। अच्छी गेंद, फील्डिंग मौजूद है, दो रन के लिए दौड़ पड़े हैं और फील्डिंग मिस, मिलेगा 4। बहुत ही खराब फील्डिंग, स्कोर छोटा है और आप इस तरीके से फील्डिंग करोगे तो मैच जीतेंगे नहीं आप लोग, और ये मैच जीतना मुश्किल ही लग रहा है आरसीबी के लिए। केवल 15 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए और आप 4 रन दे दिए, मतलब 8 रन, और 7 रन की जरूरत है ये गुजरात टाइटंस को ये मैच जीतने के लिए। पहली गेंदों पे 4 रन। अच्छी गेंद, अच्छी शॉट, फील्डर मौजूद है और फील्डिंग में मिलेगा 4। बहुत ही खराब फील्डिंग आरसीबी टीम से, दो लगातार 4 मिस इस ओवर में और 12 रन, और जीत के लिए चाहिए और 3 रन। गेंद उड़ाया है इस बार, मिड विकेट की तरफ मारा है, फील्डिंग मौजूद है, एक रन मिलेगा। और वाइट बॉल और एक रन की जरूरत है। और एक रन की जरूरत है मैच जीतने के लिए। अच्छी बाउंस, अच्छी लेंथ, सटीक, और दो ओवर की समाप्ति 14। और आखिरी ओवर 30 ओवर डालने है भोलू, और दो ओवर में एक रन की जरूरत है गुजरात टाइटंस को ये मैच जीतने के लिए। अच्छी गेंद और दौरे है रन आउट होने का मौका, और इसी एक रन के साथ गुजरात टाइटंस ये मैच जीत ली है, 6 विकेट से मैच जीत लिया गुजरात टाइटंस ने। आरसीबी एक बड़ी हार, कप्तान आज निराश होंगे आरसीबी टीम के,
क्यों निराश होंगे, क्योंकि 10 में से 7 जीत के बैठे आरसीबी टीम। आज गुजरात टाइटंस वो 10 में से 5 हार और 5 जीत, पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पे आ चुकी है। अब सीधा चलते हैं कॉन्फ्रेंस की तरफ। मैच के मैन ऑफ द मैच, इस मैच को पहली बार मैन ऑफ द मैच इनवाइट कर रहे हैं जैन घोष को, क्योंकि मैन ऑफ द मैच रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैन ऑफ द मैच संतोष सिंह, मानो धागा खोल दिया गेंदबाजी से, केवल 14 रन पे रोक दिया आरसीबी टीम को और बड़ी जीत आरसीबी के खिलाफ गुजरात टाइटंस। ऑल द बेस्ट नेक्स्ट मैच के लिए जीटी को।